मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्हास, 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 मेरा उल्हास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट लविन तेजवानी। मेरा उल्लास यानी मेरा, आपका, हम सभी का शहर उल्लासनगर। तो आइए देखते हैं क्या है आज की गतिविधियां और क्या है आज के घटनाक्रम मेरा उल्लास टीवी न्यूज पे। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से टाउन हॉल में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उल्लासनगर के कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। Oh,
आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। अमर शहीद प्रेम रामचंद्रनी का शहीदी दिवस प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। साईं पार्टी गंगाजल फ्रंट की टीम ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर फॉलोवर लेन चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण की और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। सदगुरु बलराम साहेब जी का 48वां जन्मदिन बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर साईं धर्मदास दरबार में पूज्य बैराणी साहेब का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री रविंद्र चौहान, साईं पार्टी गंगाजल फ्रंट की टीम और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। तेरी रहमत तेरी रजा है तकदीर मेरी, तेरी रहमत तेरी रजा है तकदीर मेरी, तेरी इबादत से पलती है लकीरे मेरी, तेरी इबादत से पलती है लकीरे मेरी। हाँ तेरी रहमत तेरी रजा है तकदीर मेरी, तेरी इबादत से पलती है लकीरे। I'm not afraid.
आशियाना तेरा साईं है दर मेरा, आशियाना तेरा साईं है दर मेरा, बंदगी है तेरी साईं अब करम मेरा। जय धर्म सरकार, जय साईं बलराम। असांजे प्यारे साईं बलराम साहिबन जे 48वें जन्म उत्सव जो सॼे उल्हासनगर शहर वासियुनि खे कोटि कोटि वाधायूं। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्हास। भाजपा सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र चौहान ने उल्हासनगर में 3 सड़कों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर साईं पार्टी गंगा जल फ्रंट तथा भाजपा तथा अन्य मित्र दल उपस्थित थे। प्रकाश गंगा जल बची एक आस गंगा जल, नई उम्मीद गंगा जल यहाँ विश्वास गंगा जल। नया प्रकाश गंगा जल बची एक आस गंगा जल नई उम्मीद। केंद्र आणि राज्यामध्ये सत्ता आल्यापासून सातत्याने विकासाचं राजकारण माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात करायला सुरुवात केली आणि उल्हासनगरमधील सर्व नागरिकांनी भारतीय जनता पार्टी, टी मोमीकलानी आणि साई बलराम पक्ष या 3 पक्षांवरती ठेवलेला विश्वास आणि त्यामुळे या भागातील होणाऱ्या काळामध्ये विकास झाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून इथल्या रस्त्यांची कामं पूर्ण झाली पाहिजे अशी मागणी ही निवडणुकीच्या काळामध्ये होती आणि त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने का होईना या 4 रस्त्यांचं आज कामाला सुरुवात झालेली आहे। 9 महिन्यामध्ये हे पूर्णच्या पूर्ण रस्ते पूर्ण होतील आणि येणाऱ्या काळामध्ये उल्हासनगरचा विकास हा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारच्या माध्यमातून हा केला जाईल आणि त्याबरोबरच टीम ओमनी कलानी असेल, साई बलराम पक्ष असतील, यांच्या सर्वांच्या सहकार्याने इथले असलेले प्रत्येक कामामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सर्व मंत्रिमंडळाचे सहकारी हे त्यांना मदत करतील याची मला पूर्णच्या पूर्ण खात्री आहे। पुन्हा एकदा उल्हासनगरवासियांचे पुन्हा पुन्हा धन्यवाद। या सगळ्या व्यवस्था करत असताना फार अडचणी होतात रस्त्याची कामं सुरू असताना, तर थोडे 7-8 दिवस 7-8 महिने जे आहेत हे 7-8 महिने होणारा त्रास जर आपण सर्वांनी सहन करावा, कारण रस्ते जेव्हा काम चालू असतं तेव्हा वाहतुकीची फार मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत असते। मी कमिशनर साहेब असतील आणि इथली असलेल्या सर्व प्रशासनाला विनंती करणार आहे की ह्या सर्व व्यवस्थेवरती लक्ष ठेवून नागरिकांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची सर्वांची दक्षता घ्यावी एवढंच या प्रसंगी सांगतो। पुन्हा एकदा पत्रकार बंधूंचं पण खूप खूप धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत खुशी का दिन है और आज नवरात्र हैं तो आज यहाँ परस्तों का मुहूर्त हुआ है बीजेपी सरकार की तरफ से, टीम ओमी कालानी और साईं पक्ष की तरफ से, और मैं रविंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं और आज उल्हासनगर के विकास कार्य शुरू हो गए हैं या आगाज़ हो गए हैं।
ये शासन का जो मूलभूत सुविधा विकास कार्यक्रम है उसके अंतर्गत 20 करोड़ के ये हम रास्ते बनाने जा रहे हैं। पिछले 15-20 सालों में इतनी बड़ी तादाद पर इतने बड़े अमाउंट के रास्ते पहली बार, वो भी शासन के द्वारा जो वितरित किए गए निधि है उसके द्वारा हम बनाने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे नामदार माननीय चौहान साहब, मिनिस्टर साहब यहाँ पर उपस्थित है, उनके हाथों हमने आज ये चारों रास्तों का उद्घाटन किया है। हमारी मेयर मैडम है, डिप्टी मेयर साहब थे, हमारे MLA मैडम थी और बाकी सब यहाँ के सम्मान्य हमारे XMLA कुमार एलानी जी यहाँ पर मौजूद है और हमारे सभी जो MLA है, यहाँ के MP है, यहाँ के पालक मंत्री है, सभी की इस कार्य के लिए शुभकामनाएं हैं और सभी मान्यवर नगर सेवक इनके उपस्थिति में आज हम ये कार्यक्रम ले रहे हैं। और ये रास्ते करीब 3000 मीटर के से भी ज़्यादा लंबाई के रास्ते है, 60 फुट उसकी चौड़ाई है और ये काम अगले 9 महीने में पूरा करने का हमारा उद्देश्य है और उस हिसाब से हमने कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर दिया है और इसका काम निरंतर 9 महीना से भी पहले पूरा करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है मेन जो शहर के रास्ते हैं वो अच्छा बनने के लिए मेरे ख्याल से एक बुनियाद आज हमने रखी है और इसके लिए सभी शहरवासियों के भी हम शुभकामनाएं चाहते हैं, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित है उनके भी हम धन्यवाद अदा करते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित है और सभी लोगों को आपके द्वारा यहाँ जानकारी दे दें कि विकास के कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं तो उसकी भी शुरुआत हो रही है। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से सफाई कर्मचारी को घर दिए गए हैं जिसकी चाबियां उल्लासनगर मनपा के सदन में उन्हें सुपुर्द की गई। इस अवसर पर महापौर मीना एलानी, उप महापौर श्री जीवन एलानी, मनपा आयुक्त और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वाल्मीकि नगर में जो महानगर पालिका ने अपने खुद के फंड में से जो 128 घर बनाए थे जहाँ पर जूनी वसाहत थी इन सफाई कर्मचारियों की, वो तुड़वा कर हमने उधर नए घर बनवाए हैं जिसमें 3 बिल्डिंग्स है ABC और इन 3 बिल्डिंग में हमने करीब 128 घर बांटने का हमने प्रबंध रखा था जिसमें स्थायी समिति अपनी महासभा ने अप्रैल 2017 में जो ठहराव पास किया उस ठहराव के अंतर्गत ये सब रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के तौर पर इनको बांटे गए हैं। और कुछ लोगों की ये अपेक्षा थी कि ये हमको ओनरशिप पे दिए जाए लेकिन हमारी सफाई कर्मचारियों की संख्या और जो घर है इनकी जो प्रमाण जो है वो व्यस्त होने के कारण हम सबको नहीं दे पा सकेंगे, इसलिए जो भी घर है वो निवास स्थान के तौर पर ही हम दे रहे हैं। तो जिन्होंने इसमें निवास स्थान के तौर पर लेने की सम्मति जताई है ऐसे 35 लोगों को हमने बांटने की आज व्यवस्था रखी थी जिनमें से एक व्यक्ति दुर्भाग्यवश मृत होने के कारण 34 लोगों का हमने सबके सामने ट्रांसपेरेंट सिस्टम से लॉटरी निकाली और जिनके जिस प्रकार से लॉटरी से नंबर निकल के आए हैं उसके अनुसार उनको घर के प्रत्यक्ष उनके पोजिशन उनको जल्द ही दिया जाएगा और जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उन पर लागू होगी। बाकी के जो है वो अभी जैसे ही उनको पता चलेगा कि अभी हम ये निवास स्थान के तौर पर ही दे रहे हैं इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है तब वो शायद उसमें वो भी सम्मति देकर आगे आएंगे और बहुत जल्द ही बाकी सभी निवास स्थानों का भी इसी तरह लॉटरी के सिस्टम से उनको भी बांटा जाएगा, इसका हमको विश्वास है। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। अक्टूबर महीने में साईं वसंत शाह दरबार की तरफ से ऑल इंडिया सिंधी साधु समाज का भव्य सम्मेलन होने वाला है। इसी उपलक्ष्य में प्रिंस साईं कालीराम साहेब जी ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया। हमारा शहर उल्लासनगर एक ऐसा शहर है जिस पर संतों की कृपा है। अनगिनत दरबारें महंत, संत, महात्मा, महापुरुष अपनी रहमतों से नवाजते हैं, इसीलिए इस शहर पर ऐसी कृपा बनी हुई है कि लोगों में
काफ़ी श्रद्धा है अपने संतों के प्रति। यही कारण है कि यहाँ संतों महात्माओं के बड़े आयोजन भी होते हैं। लेकिन इस बार प्रथम रूप से साईं वसंत शाह दरबार की तरफ से ऑल इंडिया सिंधी साधु समाज का एक भव्य सम्मेलन का आयोजन होना है। इस बारे में सविस्तार जानकारी देने के लिए यहाँ एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रिंस साईं कालीराम साहब जी ने अपने सारे पत्रकार भाइयों को ये जानकारी दी है कि किस तरीके से इतने भव्य, इतने विशालतम और संगत के निहाल करने के लिए, संगत को अपनी कृपा दृष्टि से निहाल करने के लिए इतने बड़े साधु समाज के सम्मेलन का आयोजन साईं वसंत शाह दरबार की तरफ से होने जा रहा है। इसकी तिथि 8, 9 और 10 अक्टूबर को है। और अब हम सविस्तार जानकारी लेते हैं साईं जी से कि किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन इस बार हो रहा है। मेरी तरफ से पूरी उल्लासनगर की संगत को जय वसंत गोठ, जय पारू शाह, जय झूलेलाल। बहुत ही शुभ मौका है ये। इस वक्त साईं वसंत गोठ साहब जी की 123वीं वर्षी महोत्सव में के मौके पर चालिया साहब चल रहा है दरबार में, जिसका नाम है शहनशाही चालिया। और कमाल चालिया की मौज होती है, रोज़ रात को 10 बजे से 1 बजे तक दरबार में नियमानुसार आरतियाँ, उसके बाद भजन कीर्तन, मदा साहब, दुआ, धुनी साहब, फिर साईं जी का, साईं वसंत गोठ साहब जी के जीवन पर सत्संग, प्रवचन और संदेश होता है। और पीछे के 9 दिन तारीख 8 से लेकर 17 तारीख तक बाबा साईं वसंत गोठ साहब जी की वर्षी बड़े ही धामधूम से और श्रद्धा से दरबार में मनाई जाती है। इस वक्त, इस समय हमने, इस बार हम लोग ने बहुत ही अलग से कुछ आयोजन किया है। बाबा साईं वसंत गोठ साहब जी की वर्षी के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया सिंधी साधु समाज का, अखिल भारतीय सिंधी साधु समाज का महासम्मेलन दरबार में आयोजित किया गया है, जिसके आयोजक है हमारे मुर्शिद हाजरा हजूर दरवेश साईं परमानंद साहब, जिसमें पूरी भारत वर्ष से सिंधी समाज के संत पधार रहे हैं, और जिसमें हमारे महामंडलेश्वर श्री हंसराम जी भी आ रहे हैं, और स्वरूपदास जी, श्यामदास जी, साईं युधिष्ठिर लाल जी, साईं चांडू राम जी, साईं राजेश लाल अमरावती से, साईं कंवरराम जी के पोते, वो भी आ रहे हैं, और काफ़ी सारे सिंधी समाज के दिग्गज संत जो दरबार में हाजिरी लगाने के लिए और सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तारीख 8, 9 और 10 तारीख को ये सम्मेलन की तारीख है, और ख़ास करके 9 तारीख को दरबार साहब के बाहर जो पंडाल लगता है, वहाँ शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक संतों का खुला दर्शन आपको होगा, जिसमें एक मंच पे आपको लगभग 250 से 300 संतों का दर्शन होगा। साईं जी, ये जो सिंधी साधु समाज का सम्मेलन है, ये इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, तो इसका कोई विषय तय होगा कि किस बारे में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? मतलब ये जो है, वो जो इनविटेशन कार्ड हमें मिला है, उसमें दो बातें हैं, एक तो ये संत सम्मेलन भी है और पंच सम्मेलन भी है, तो इसका विषय क्या रहेगा? देखिए, ये सम्मेलन जो है सिर्फ संतों का नहीं है, ये सम्मेलन है संतों का, पंचायतों का, संस्थाओं का, और हमारे सिंधी समाज के जो भी कॉरपोरेटर्स हुए, मिनिस्टर्स हुए, MLAs हुए, MPs हुए, उन सब का। हमारा सनातन धर्म, मैं हिंदू धर्म नहीं कहूँगा, हमारा धर्म जो है वो सनातन धर्म है। किस मोड़ पे है, कितनी तकलीफ़ों में है, कितने कष्टों में है, क्या क्या तकलीफ़ें हमारे समाज में चल रही है, उन सब बातों को लेकर के हमने ये सम्मेलन आयोजित किया है। और उसमें एक विषय ये भी है कि हमारे समाज में इतने दिग्गज संत होते हुए, इतने महान संत होते हुए, हमारा समाज क्यों भटक रहा है, यहाँ वहाँ क्यों हमारे समाज का उद्धार नहीं हो रहा है, उस विषय पे संतों का, पंचायतों का, संस्थाओं की मीटिंग है, प्लस संतों का समागम है 9 तारीख को, जिसमें उल्लासनगर की पूरी संगत को एट अ टाइम 350 संतों का दर्शन होगा, कि वो भी देखें कि हमारे समाज में कितने सारे संत हैं। जी, तो ये अखिल भारतीय लेवल पर ये जो सम्मेलन हो रहा है उल्लासनगर शहर में इतने बड़े पैमाने पर, इससे पहले साईं बलराम जी ने भी आयोजन किया था, और इस बार जो है, जिस तरह से विषय आपने बताया कि इतने सारे सिंधी समाज के संत आ रहे हैं और संगत को निहाल करने वाले हैं, तो ये अपने आप में, ये जो हमारा समाज है, खास करके जो उल्लासनगर में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन है। तो इसकी रूपरेखा कैसी बनी हुई है? 8, 9 और 10 तारीख को क्या क्या आयोजन होने वाला है?
देखिए ये 8 तारीख को साईं बलराम जी ने बहुत ही अच्छा सम्मेलन उस वक्त किया था, मुझे आज भी याद है, ये 2013 की बात है, लगभग 13 में बहुत ही सुंदर आयोजन किया था। उस वक्त भी यही पीरियड था साईं वसंतकोट साहब जी की वर्षी के मौके पर काफ़ी संत यहाँ आ रहे थे हमें दर्शन देने के लिए। वो सम्मेलन जो था उस वक्त हमने सिंधी समाज ने, अखिल भारतीय सिंधी समाज ने भागवत का उद्घाटन किया था, सिंधी में भागवत पुस्तक जो है, बड़ी ग्रंथ है जो भागवत का, उसका उद्घाटन हुआ था सिंधी में, भागवत सिंधी में गुरु ग्रंथ साहिब का उद्घाटन हुआ था। और उसी समय भी यही था कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। साईं बलराम ने बहुत कोशिश की थी लेकिन अब वो उस भ्रम में लीन हो गए। तो फिर मेरी मीटिंग हुई साईं हंसराम जी से, तो उन्होंने कहा कि साईं कुछ ना कुछ उल्लासनगर में, मैंने भी कहा कि हाँ ज़रूर होना चाहिए साईं, तो हम ये पहल करते हैं अब, क्योंकि उस बात को भी काफ़ी समय हो गया, 4 साल हो गए अब, तो हमने कहा कि हम ये पहल करते हैं, हम दरबार साहब की तरफ से जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी दरबार साईं वसंतकोट दरबार ये जिम्मेदारी लेती है कि हम अपने समाज को एक साथ गठित करें। जी, तो 8, 9 और 10 का कैसे प्रोग्राम? देखिए 8 तारीख को तलवरकर जिम के पीछे स्वामी देव प्रकाश महाराज हॉल है, सुबह 10 बजे से लेकर के एक बजे तक संतों की, संस्थाओं की, पंचायतों की मीटिंग है। सबसे पहले जो संत बाहर से आएंगे उनका स्वागत होगा, वहाँ सम्मान होगा, ध्वजा वंदना होगी। आज हमारे सिंधी साधु समाज का, सनातन धर्म का एक सिंधु चिन्ह भी है, वो आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं उस सिंधु चिन्ह की, उसकी ध्वजा वंदना होगी और वहाँ दीप प्रज्वलन होगा। उसके बाद 1 घंटे के लिए संतों की मीटिंग होगी आपस में और संस्थाओं की मीटिंग होगी। शाम को फिर 5 बजे से लेकर 8 बजे तक संतों की दूसरा सत्र होगा मीटिंग का, जिसमें वही सब विषय होंगे कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, संतों की डिस्कशंस होंगी आपस में, समाज होगा साथ में। 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक तीसरा सत्र होगा मीटिंग का, वहीं तलवरकर जिम के पीछे स्वामी देव प्रकाश महाराज हॉल में, और उसके बाद संतों का भोजन दरबार साहब में रखा गया है। शाम को दरबार साहब के पंडाल में, यहाँ साईं वसंतकोट दरबार के पंडाल में जहाँ मेले की शुरुआत होगी 9 तारीख से, संतों का समागम, जिसमें आपको एक मंच पर लगभग 250 से 300 संतों का दर्शन होगा, समागम होगा, और जो महान संत हमारे समाज के गुजरे हैं इस वक्त, वो अपना संदेश संगत को देंगे। और फिर 10 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मीटिंग है, और उसके बाद संतों से हमारा सी ऑफ होगा, हम उनसे मुकलाएंगे और जो भी कार्य होगा आशीर्वाद लेंगे सब संतों से। सो आप पूरी संगत उल्लासनगर की, उन सबको मेरी तरफ से आमंत्रण है, दरबार की तरफ से निमंत्रण है, आप सब लोग आएँ और संतों का दर्शन करें और देखिए कैसे संत हमारे दरबार में हैं, कितने संत आ रहे हैं, कितने संत आपको दर्शन दे रहे हैं। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। प्रसिद्ध साहित्यकार और समाजसेवी तुलसीदास बैरानी जी का है 30 सितंबर को बर्थडे। मेरा उल्लास की टीम उन्हें देती है ढेरों बधाइयाँ। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे श्री तुलसीदास बैरानी जी। सिंधियत जे शहदाई पत्रकार, समाज सेवी ए जय सिंधी रेडियो लिसनर्स ए टीवी केबल व्यूअर्स क्लब के पदाधिकारी श्री तुलसीदास बैरानी जो जुमे डी यानी 30 सितंबर 2016 के डी है शुभ जन्मदिन। असी मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ के तरफा ए सिंधियत के सभी शहदाइन के तरफा श्री तुलसीदास बैरानी के दूँ था उन्होंने जन्म डी जो वाधायूँ। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे श्री तुलसीदास बैरानी। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। धर्म और
संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्हास, 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 मेरा उल्हास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।